मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। 21वें राज्य स्थापना दिवस को प्रदेशवासी बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्रांति दल के जिला प्रभारी महेंद्र रावत ने कहा कि सरकार के ऊपर आंदोलनकारियों का अपमान करने का आरोप लगा है। ये वही आंदोलनकारी है जिन्होंने राज्य की स्थापना के लिए बहुत त्याग किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर, 21वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा समस्त प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और गोष्ठियाँ की जा रही हैं। कोटद्वार में भी हम यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना लगाया और हमारी विचार गोष्ठी भी वर्तमान उत्तराखंड के 20 वर्षों में क्या खोया क्या पाया उत्तराखंड उसके की गोष्ठी है। हमारे पे आज महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पे जिला विकास प्राधिकरण जो वर्तमान सरकार द्वारा घोषित किया, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस पहाड़ की जनता और कोटद्वार की जनता परेशान हो रखी है। कोटद्वार पे इस समय दोहरी मार पड़ रही है, एक नगर निगम का टैक्स और दूसरा ये आपका जिला विकास प्राधिकरण का टैक्स। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि तुरंत जिला विकास प्राधिकरण वापस लिया जाए। आंदोलनकारी शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर हम सब लोग अपने उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस उत्तराखंड राज्य के लिए आपने कुर्बानियां दी, उस राज्य के सार्वभौमिक विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज रुद्रप्रयाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत कई लोगों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्थापना दिवस पर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अब शहीदों के सपने को साकार किया जाएगा। उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और सत्संग नमन करता हूँ। संघर्ष से हमें उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। आज यहाँ पर विकास भवन में हमने विकास पुस्तिका का विमोचन किया और बातें काम ज्यादा और हमारी सरकार के द्वारा जो 3.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास का काम किया जा रहा है। साथ में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको ग्राउंडिंग करने के लिए जो है हमको कार्य भी करना होगा, प्रत्येक कार्य साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जो है जागरूक करना होगा, तब कुछ काम हो सकते हैं धरातल, क्योंकि नहीं तो हवा हवा में जो काम हो रहे हैं और धरातल पर नहीं हो रहे हैं। 21वें उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा देहरादून से मसूरी तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आयोजित रैली में महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर 150 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर एयर बैलून का भी इंतजाम किया गया जिससे खेल प्रेमियों का उत्साहवर्धन हो। कार्यक्रम को लेकर विधायक गणेश जोशी ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। चाहे रिवर राफ्टिंग हो, डाउन बंडरिंग हो, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट इसके माध्यम से स्टेट से ही मिलेंगे, सो प्लीज टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबको राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा राज्य पूर्ण रूप से जवान हो गया, 21 साल का हो गया। दिवस के एक दिन पहले हम लोगों का एक प्रोग्राम था एक MTB कराने का, जो कि हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें और कोरोना काल में हम ये भी कह सकें कि सेहत से जुड़ा हुआ विषय भी है और वी आर सेफ, और ये कार्यक्रम भी सुरक्षित कार्यक्रम है, इसके तर्ज पे ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें 250 से प्लस रजिस्ट्रेशन थे जो हमें बंद करने पड़े, क्योंकि कोरोना के मानक में एक ये भी है कि कम से कम लोगों को शामिल किया जाए, तो हमने बंद कर दिया था। तो 234 लोग हमारे फाइनली आए जिसमें से 150 लोगों ने प्रतिभाग किया। खुशी है कि हमारे सरकार ने साइकिलिंग को एक स्पोर्ट की तरह रियलाइज़ किया और एक रेस कराई माउंटेन बाइकिंग और रोड बाइकिंग को साथ में, तो फिर खुशी है इस बात की। बाजपुर तहसील में 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और कहा कि सरकार प्रदेश में विकास के काम को बखूबी अंजाम दे रही है।
इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकास के कामों में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षगांठ पर मैं प्रदेश की महान जनता को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में राज्य के निर्माण में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और जो आंदोलनकारियों ने जो संघर्ष किया और उन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार होगी, हमारे द्वार तक हमारी सरकार आएगी। लालकुआ में त्योहारों के सीजन को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। अभियान के तहत मॉल और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकानों में रखे सामानों की एक्सपायरी डेट भी चेक की गई। इसी के साथ चेकिंग करने वाली टीम ने मिठाई के सैंपल को इकट्ठा करते हुए उसे जांच के लिए भेज दिया है। सामानों की चेकिंग करते समय खाद्य अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, चूँकि दीपावली का त्यौहार बहुत नज़दीक है, इसीलिए आज यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के साथ मेरे द्वारा जितनी भी यहाँ मिठाई की दुकानें हैं और जो ऐसी और अन्य दुकानें हैं उन पर हम लोग सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी मिठाई चेक कर रहे हैं, साफ़ सफाई भी देख रहे हैं। ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये जन सुरक्षा से जुड़ा मामला है। देखिए, जो भी हमारे मानक हैं अगर उनके अनुरूप हम यहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं और अगर उन मानकों के अनुरूप मिठाई नहीं पाई जाती है तो जो भी प्रावधान है उसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग विगत 8 से 10 दिनों से लगातार हल्द्वानी, कालाडोंगी, लालकुआं आदि क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों से जो खोया, पनीर इत्यादि आया जाता है उसकी भी चेकिंग कर रहा है और साथ ही साथ बाज़ार में भी जो मिष्ठान विक्रेता हैं या आटा, तेल, दाल, चावल और घी, पनीर, ये भी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनकी जांच लगातार की जा रही है। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रेस वार्ता करते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार वर्तमान समय में राज्य से पलायन रोकने के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है और रोजगार देने के क्षेत्र में काम किया जा रहा है जिससे पहाड़ों से पलायन को रोका जा सके। जिस तरह के सपने हमारी माताओं बहनों ने देखे थे कि उनके बच्चों को नौकरियाँ मिले, रोजगार मिले, बेरोजगार न रहें, अलग राज्य की कल्पना इसलिए की थी कि सभी लोग इस राज्य में नौकरी के लिए ना आ जाएं, उनके लिए स्थान रहे, वो पूरा नहीं हुआ है और उस पर काम करना है। सरकारी नौकरियों पर केवल निर्भर नहीं रहा जा सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी देखने होंगे और इसलिए आज 20 साल हो गए, 21वां साल शुरू हो रहा है लेकिन अभी हमारी बहनों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना है। राज्य 21वां राज्य स्थापना दिवस है, हम पूरे प्रदेशवासियों को, अपने प्रदेश की महान जनता को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके सहयोग से ये प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और यहाँ ये ज़रूरी है कि हमको ये राज्य स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया।